हेलो दोस्तों, आज हम अगेन एक नए आईपीओ जो स्टॉक जो यहाँ पर आया उससे लेकर बातें करेंगे, जिसका नाम है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके का काम है, वो सब चीज़ से रिलेटेड हम जानेंगे जानेंगे एक एक करके इस कंपनी के फाइनेंशियल, फंडामेंटल, टेक्निकल। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सीखने पर ध्यान देना। याद रखिए, आप सीखने पे ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होता हुआ नजर आएगा। सीखने के लिए क्या करना है, वीडियोस देखिए, एक एक करके वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा किस तरीके से यहाँ पर चीजें काम करती हुई नजर आती है। और बिल्कुल बारीकियां सीखनी है, क्यों क्या कैसे के जवाब ढूंढ रहे हैं, ये शेयर क्यों भागता है, क्यों गिरता है, कब भागता है, कब गिरता है, कौन सा शेयर भागता है, कौन सा शेयर गिरता है, वो सारे आंसर आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है ना, ये सारे के सारे आंसर आपको मिलेंगे। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग, स्ट्रेटजीज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स, सब कुछ दिया जाता है। और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत 50,000 रुपये होने वाली है। तो आप अभी से ही एनरोल करके इस कोर्स को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो और अपनी ज्ञान में वृद्धि कर सकते हो। 8860540501, 8169261037, दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए। और साथ में आप हमारे यहाँ पर काम करना चाहते हो तो भी यहाँ पर व्हाट्सएप कॉल मैसेज कर सकते हो, डिटेल्स ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नॉर्दर्न आर्क की हम बात कर रहे हैं। कंपनी करती क्या है, 2009 में एक इस कंपनी को यहाँ पर फाइंड आउट किया गया था। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कंपनी ऑफर रिटेल लोन्स देती हुई नजर आती है। टू अंडरस्टैंड द हाउस होल्ड एंड द बिजनेस इन इंडिया, तो यहाँ पर छोटे छोटे लोन देती हुई नजर आती है, ठीक है, बिजनेसमैन को देती हुई नजर आती है, घर में कुछ जरूरत होती है उसके लिए यहाँ पर ये लोन देती हुई नजर आती है, ठीक है। आप जाओगे एक बार पढ़ना चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है और 15 साल से है ना इट फैसिलिटेट फाइनेंशियल ओवर 1.73 लाख करोड़ रुपीज का यहाँ पर हेल्प कर चुकी है, इंपैक्टिंग 10.18 करोड़ लाइफ। तो हम बात करें इतने लोगों को लगभग ये लोन दे चुकी है, वहां से रिवर्स भी पैसे मिले भी है अच्छे खासे, ठीक है। और अच्छा खासा ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एमएसएमई, माइक्रो फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर, ये सारी इनकी फोकस सेक्टर है जहाँ पर ये कंपनी लैंड करती हुई नजर आती है, ओके। और जिन्हें यहाँ पर लैंड भी करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट लगभग 316 यहाँ पर इसकी क्या है ब्रांचेज है अक्रॉस 671 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। और यहाँ पर 50 यहाँ पर ओरिजिनेटर पार्टनर्स है इसके। ये कंपनी 2024 में हम बात करें, इसका जो एयूएम था मार्च 2024 के हिसाब से 11,710 करोड़ रुपए के आसपास है, लगभग ऐसे करके मैनेजमेंट 11,710 करोड़ रुपए। ये बैंकों से सस्ता लोन लेते हैं और फिर वहां पर आगे यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे अच्छा खासा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि 30% बाई ऑन बाई बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ नजर आया है, विद अ डायरेक्ट ऑफ द कस्टमर एयूएम राइजिंग 72% टू 5,833 करोड़। तो यहाँ पर ये सब चीज दे रखी है कि किस तरीके से कहाँ पर इनका जो एयूएम था वो इतना था, उधर से यहाँ पर लगभग ये बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये सब चीज यहाँ पर देखते हुए नजर आया, आप जा सकते हो, इनके बारे में पढ़ सकते हो। 28 स्टेट में है, 682 डिस्ट्रिक्ट में है, 7 यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर नजर आते हैं। इसके अलावा देखोगे 16% तमिलनाडु से बिजनेस आता है, महाराष्ट्र से 12%, कर्नाटक से 10%, दिल्ली से 6%, गुजरात से 6%, राजस्थान से 5%, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना से 5-5% और अदर से लगभग 53% का यहाँ पर बिजनेस आता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल बात करें कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा काम कर रही है और छोटे छोटे लोन देती है। तो इसका क्या फायदा होता है, इसका फायदा ये होता हुआ नजर आता है कि कंपनी यहाँ पर उस पैसे को जल्दी यहाँ पर रिकवर कर लेती है, ठीक है, और बड़ा सोच समझ के यहाँ पर लोन देती हुई नजर आती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजों से रिलेटेड यहाँ पर पता चलता हुआ नजर आएगा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हुए नजर आते हैं, सप्लाई चेन फाइनेंस ये करते हुए नजर आते हैं, मिड मार्केट कॉर्पोरेट लैंडिंग ये देते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है और जान वेबसाइट पर विजिट करिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के चीजों के ऊपर, फाइनेंस किस तरीके से वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की बात करें, 4,720 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। इसका मतलब क्या है, स्मॉल कैप। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ दो चीज याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे चैनल का नाम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, ठीक है, और हमारे शेयर भी मोस्टली छोटे छोटे ही आपको नजर आएंगे। दूसरी बात, जब मैं यहाँ पर छोटे शेयर की बात करूँ तो दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि जब छोटे शेयर भागते हैं तो
तो बड़ा पैसा बनाते हुए नजर आते हैं, पर जब शेयर गिरते हैं ना तो उसी तरीके से यहाँ पर गिरते हुए भी नजर आते हैं। आपसे 50, 60, 70, 40%, 80%, 90% तक यहाँ पर पैसे लेते हुए नजर आ सकते हैं, मैंने देखा है। तो इसलिए याद रखिएगा, सही टाइम पे इनमें इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बनेगा, गलत टाइम पे इन्वेस्ट करोगे तो पैसा खोगे। तो इसलिए यहाँ पर वो चीज को ध्यान रखना, और सही टाइम बैड टाइम क्या है वो हम इस कोर्स में आपको पूरा सिखाते हुए नजर आते हैं। स्टॉक पी की बात करें 15 का, इंडस्ट्री का पी की बात करें 22 का है, तो यहाँ पर कम नजर आता है। बट तो यहाँ पर ये जो एनबीएफसीज हो गए है ना, और यहाँ पर ये जो लेंडिंग का बिजनेस है, ये 15 के पी पे यहाँ पर जस्टिफाई होते नहीं है। तो इस चीज को भी यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इनका पी हमेशा ही 7, 8, 9 के आसपास होता हुआ नजर आता है। आरओसी आरओई की बात करें 11 और 15% के आसपास है। इन चीजों को मैं यहाँ पर तवज्जो देता नहीं, पी हो गया, आरओसी हो गया, आरओई हो गया, काफी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट में किताबी ज्ञान अलग है और स्टॉक मार्केट की प्रैक्टिकल नॉलेज अलग है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। डिविडेंड कंपनी इतनी है, 10 का फेस वैल्यू है, और इस चीज को भूलना भी नहीं है, इन चीजों को सीखना भी चाहिए। सेल्स ग्रोथ की बात करें, 44% का सेल्स ग्रोथ है, 100% के आसपास का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर दिखाई दिया है। रिटर्न ऑन एसेट भी लगभग 3% का आता हुआ दिखाई देता है। हाँ, डेट को यहाँ पर कंसीडर करना नहीं है, लेंडिंग का बिजनेस है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड लोन यहाँ पर नंबर तो है, ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट नंबर हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जून 2023, जून 2024, मार्च 2024, सॉरी, तो 1 साल के यहाँ पर नंबर दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ईयरली बेस पे अच्छी खासी जंप हुई है, क्वार्टरली बेस पे भी देखोगे तो थोड़ी बहुत जंप हुई है, ज्यादा यहाँ पर जंप नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी का ईयरली बेस पे जो कंपनी के जंप है सेल्स में, वो अच्छी खासी है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी का यहाँ पर आप देखोगे कंपनी को प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे। नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी का ज्यादा होता हुआ नजर आए। तो ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर काम चल रहा है। कंपनी 500-600 करोड़ के यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर सेल्स करके अच्छा खासा यहाँ पर नेट प्रॉफिट का जनरेट कर रही है। 10 का EPS नजर आता है, 57% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये एक अच्छी अच्छा काम कर रही है, इस चीज को हमेशा ये ध्यान रखिएगा। ईयरली बेस पर भी देखोगे तो कहाँ पर 2019 में 600 करोड़ की सेल्स थी, वो बढ़ के लगभग 3 गुना होती हुई नजर आई है। तो ये एक अच्छा खासा काम है। और याद रखिए इस पर्टिकुलर पीरियड में कोविड भी आया है, तो जब कोविड भी आया है तो उस वजह से कम लोगों को यहाँ पर पैसे लेने की जरूरत पड़ी है, ठीक है, उनको अपने बिजनेस के लिए, कुछ काम के लिए। और उस बेसिस पर भी यहाँ पर ऐसे छोटी कंपनीज ने अच्छा पैसा बनाया है। तो उस चीज को बेसिस पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी ने अच्छा खासा 77 करोड़ से यहाँ पर देखिए 300 करोड़ तक का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया। अच्छी खासी बिजनेस यहाँ पर स्ट्रेटेजीज यहाँ पर यूज करते हुए नजर आते हैं। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स अच्छा खासा 2000 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें, 9000 करोड़ की बोरिंग है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, जितना बोरिंग होगी उतना प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें, 1700 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट। कैश की बात करें, लगभग कंपनी के पास 408 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, तो कैश रिच कंपनी है, ठीक है, नेगेटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं। और थोड़ा देखिए एफआईएस की होल्डिंग, एफआईएस भी यहाँ पर ऐसी छोटी कंपनी में एफआईएस दिखाई नहीं देते, बट स्टिल 5% की यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन है एफआईएस में। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस 26% है, उसमें आप देख सकते हैं कि डीआईएस कौन कौन है, 4%, 3%, 3%, इस तरीके की, मतलब एक ही है ना, दो लोग है यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग लेकर रखी है। पब्लिक की बात करें, 66% 67% की होल्डिंग है, उसमें भी आप देखोगे तो 16-16% की होल्डिंग तो यही ले रखी है, 7% की इन्होंने ले रखी है, 6% की इन्होंने ले रखी है, 3% की इन्होंने ले रखी है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप बात करो तो लगभग लगभग 40 लगभग 54-55% की होल्डिंग तो यही होगी, ठीक है। तो पब्लिक के पास कितनी है, लगभग लगभग आप देखिए 12-13% की होल्डिंग है, ज्यादा यहाँ पर होल्डिंग है नहीं। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर ज्यादा है, ठीक है, पैसा यहाँ पर इसी तरीके से बनता हुआ नजर आया है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, आपको कंपनी ने यहाँ पर नहीं है, अभी नहीं है, तो इस वजह से कुछ लॉकिंग पीरियड होगा, कुछ 1 महीने में लॉकिंग पीरियड होगा, कुछ 1 साल में लॉकिंग पीरियड होगा। अच्छा पैसा बनेगा तो ये लोग यहाँ पर पैसे को निकालते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो वो सब चीज को भी यहाँ पर अभी देखना है। अभी इस शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अभी हम जाएंगे नहीं, अभी हमें थोड़ा सा एक आध क्वार्टर के नंबर हमें देखने हैं कंपनी के, एक आध क्वार्टर के नंबर आ जाएंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर केवल ट्रेडिंग ही हो रही है, यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हो रही है। वो सब चीज जानने के बाद फिर एक बार देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। अब बात करेंगे यहाँ पर चार्ट से लेकर, चार्ट क्या कह रहा है वो उससे लेकर बात करेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है,
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, सीखने पर ध्यान दीजिए, वीडियोस देखिए, है ना, बार बार देखिए, हर एक वीडियो को जाके देखिए, आपको चीजें समझ में आएगी। इन नंबरों को नोट करिए, यहाँ पर कोर्स कर सकते हो, साथ में काम कर सकते हो, आपको काफी हेल्प मिलती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नॉर्दर्न आर्क की बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो 350 का एक हाई बनाने के बाद, ठीक है, लगभग 350 के आसपास हाई बनाने के बाद शेयर नीचे आया, और अभी लगभग लो भी आज के दिन ही बनाया है 285 का, तो ऑलरेडी शेयर में गिरावट हो गई है। क्या इस शेयर को अभी खरीदना चाहिए? तो मैं क्या कहूंगा आपसे कि एक आईपीओ में, स्टॉक्स में ना, एक ट्रेडिंग करने का एक नजरिया होता है, एक अलग तरीके की स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है, ठीक है। कभी आप मेरे इस कोर्स में आओगे तो मैं उस चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी फिलहाल की डेट में आपको बस ये कहूंगा कि सबसे पहली बात तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, तो मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर कुछ नहीं करना, आपको खुद को यहाँ पर डिसीजन लेना है। तो कंपनी के एक आध क्वार्टर के रिजल्ट आने दीजिए। जब कंपनी के एक आध क्वार्टर के रिजल्ट, क्या होता है जब आईपीओ आता है ना, तो आईपीओ आता है तो अच्छे अच्छे नंबर प्रेजेंट किए जाते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, बट एक बार जब मार्केट में लिस्ट हो जाता है ना, तब असलियत समझ में आती है। आपको पता चलेगा कि अगले क्वार्टर में जहां पर 578 करोड़ की सेल्स है, आपको समझ में आएगा कि 100 करोड़ की सेल रह गई, जो प्रॉफिट 94 करोड़ का, पता चलेगा कि घाटे में आ गया, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए, थोड़ा सा ध्यान से देना है, अगर अगर घाटे में आता है तो फिर आपकी लंका लग जाएगी, शेयर यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई देगा, ये 300 साढ़े 300 वाला स्टॉक कब 100 रुपए में आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना, शांति से बैठना है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं उन पर ध्यान देना है, ठीक है। और अभी ये शेयर अगर जिनके पास है वो क्या कर सकते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए अभी रिजल्ट का सीजन है, एक आध महीने 1.5 महीने में इनके रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर ये शेयर यहाँ से गिरता है, 285 से नीचे आता है, तो एक बार के लिए निकल जाना, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा रिजल्ट आ जाए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जैसी, बट याद रखिएगा जिस दिन ये शेयर इस पर्टिकुलर 200-350 के लेवल से निकलेगा, ठीक है, इस शेयर में एक तेजी होगी जो इसे यहाँ पर 400-500 की, 400-600 की तरफ लेके हुए जाती हुई नजर आएगी। क्या वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या शेयर नीचे आ सकता है? वो भी हो सकता है। तो अभी डाउन साइड और अपसाइड दोनों की यहाँ पर खोला हुआ है, और मार्केट ऑलरेडी परफॉर्म नहीं कर रही है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं डेली मार्केट में गिरावट हो रही है, तो आपको ध्यान से, सही से, अपनी बुद्धि का उपयोग करके यहाँ पर काम करना है। ऐसे किसी स्टॉक्स में नहीं फंसना कि यहाँ पर आज लेने के बाद आपको वो शेयर 1 साल 2 साल 3 साल जिम्मे पड़ जाए, वहां तक आपको लॉस दिखाए, और फिर जब आप लॉस से थक जाओ वो बेच दो, और फिर उसके बाद आपके बेचने के बाद वो शेयर भागता हुआ नजर आए, तो वो काम नहीं करना है। ध्यान से, सही से आपको यहाँ पर चीजें करनी है। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना है, चीजों को यहाँ पर सीखना है, जितना चीजों को सीखेंगे उतना यहाँ पर आपकी हेल्प होती नजर आएगी। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।